पब्लिक टीवी आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कोरिया जिले के चिरमिरी नगर में आगमन हुआ, जहां बघेल ने मोदी पर हमला करते हुए अपनी बात रखी और कहा कि अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास के साथ आप लोगों के बैंक खाते में भी पैसे आ गए हैं। क्या चिरमिरी की जनता को चौकीदार की जरूरत है? किसानों को चौकीदार की जरूरत है, क्योंकि ऐसे चेहरा दिखाने वाला प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा। मैंने 5 साल पहले कहा था कि ये बात, देश में अफरा तफरी मच गई थी, नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ, इस देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। राहुल गांधी ने किसानों का कर्ज माफ करने को कहा था, किसानों का कर्जा माफ किया, बिजली का बिल आधा करने को कहा था, आधा हुआ। मनिंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी और जोगी कांग्रेस के कई कार्यकर्ता ने विनय जायसवाल की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। दिन प्रतिदिन कांग्रेस की चुनाव प्रचार की गति को देखते हुए कोरबा लोकसभा सीट की कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत को भारी मतों से जिताने और केंद्र की सरकार को निकाल कर बाहर करने के लिए भारी संख्या में लोगों का कांग्रेस में प्रवेश होना तय है। अच्छा ये बताओ, सब छोड़ो, शौचालय की सब मिल गया क्या? नहीं मिला, वो पैसा भी छोड़ा है। नहीं मिला, कोरबा विशेष कर आया था, कोरबा लोकसभा में सबको 15-15 लाख। एक प्रधानमंत्री को इतना झूठ बोलना शोभा नहीं देता। फिर मोदी जी भर नहीं है, वो कभी साहब बन जाते हैं। नक्सलवाद समाप्त नहीं हुआ, मुझे चिरमिरी के चौक में खड़ा करके जो सजा देना है दे देना, चिट्ठी लिख के बुलवा लो, ठीक हो गया, आने वाला बन जाएगा, कभी माँ गंगा का बेटा बन जाता है। ऐसे रूप बदलने वाले प्रधानमंत्री आज तक हम लोगों ने नहीं देखा। Okay.